दिखाई वर्चुअल हरी झंडी। तो बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के सेवादारों को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन से सीएम ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी। तो सीएम धामी ने सेवादारों को शुभकामनाएं भी इस दौरान दी। उस दौरान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो सीएम धामी ने सेवादारों के दल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसी दौरान की, जहां बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के सेवादारों को हरी झंडी दिखाई है। तो आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो दिल्ली के उत्तराखंड सदन से सीएम ने वर्चुअली हरी झंडी इस डोली को दिखाई है। सीएम धामी ने सेवादारों को इस दौरान यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं कल भी चारधाम यात्रा की मैंने यहां से समीक्षा की थी, और चारधाम यात्रा के साथ इस समय जो वनाग्नि हो रही है, वो वनाग्नि हमारे सबके लिए बहुत चुनौती है। जहां सरकारी सिस्टम इस पर काम कर रहा है, कल हमारे प्रदेश की मुख्य सचिव सभी अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को, पुलिस विभाग के अधिकारियों को, सबको मैंने कल कहा है कि एक पूरा सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि जल्दी से जल्दी इस वनाग्नि पर हम सब लोग काबू पा पाए। मैं सबसे अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से कि सारे लोग इस समय वनों को बचाने के लिए आगे आए। ये वन संपदा हमारी धरोहर है। वहीं उत्तराखंड में नहीं थम रहा वनाग्नि का कहर। टिहरी के जंगलों में कई जगह लगी आग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गर्मी के कारण